इस वीडियो की शुरुआत मैं एक श्लोक के साथ करना चाहूंगा, जो कि है, सप्त द्वीप परिक्रांतम जम्बू दीपम निबोधत अग्निध्रम ज्येष्ठ दायादम कन्या पुत्र महाबलम प्रिय व्रतो अभ्यसिंचतम जम्बू दीपे स्वरम नृपम तस्य पुत्रा बभूवूरि प्रजापति समोजसः ज्येष्ठो नाभिरिति ख्यातस्तस्य किं पुरुषो अनुजः नार्भे हि सर्गे वक्ष्यामि हिमाहतं निबोधत। वायु पुराण में वर्णित यह श्लोक बिल्कुल साफ तौर पर बताते हैं कि संपूर्ण विश्व में केवल सनातन धर्म ही था। प्राचीन काल में भारत की सीमा अफगानिस्तान से लेकर अरुणाचल तक तथा कश्मीर से लेकर श्रीलंका तक थी तथा इसकी दूसरी ओर अरुणाचल से लेकर इंडोनेशिया व मलेशिया तक फैली थी। इस संपूर्ण क्षेत्र में 18 महाजनपदों के सम्राटों का राज था, जिसके अंतर्गत सैकड़ों जनपद और उपजनपद थे। मित्रों, यह धरती 7 द्वीपों में बटी हुई थी और संपूर्ण भाग पर हिंदू धर्म ही था। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि ईसा मसीह से पहले विश्व में सभी हिंदू थे। आज से 2022 वर्ष पूर्व ईसा के जन्म के बाद ईसाई धर्म फैला। बाद में 1400 वर्ष पूर्व इस्लाम धर्म का उदय हुआ। दरअसल यह सभी धर्म नहीं बल्कि मजहब है। कहा जाता है कि जब जब कोई इंसान खुद को ईश्वर की तरह पुजवाने लगा, तब तब एक नए धर्म का उदय हुआ। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यपु जालंधर तथा पौंड्रुक को भी ईश्वर बनने का शौक जागृत हुआ था। इसलिए उन्होंने अपने राज्य में यह घोषणा कर दी थी कि कोई भी मनुष्य भगवान विष्णु शिव आदि की पूजा न करे, क्योंकि ईश्वर मैं हूँ, इसलिए सारी जनता मेरी पूजा करे। परंतु उनके अत्याचारों के कारण उनका विनाश हो गया। जो लोग हिंदू धर्म को प्राचीन धर्म नहीं मानते, उन्हें समय समय पर ऐसे सबूत मिल जाते हैं जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम ऐसा ही कुछ बताने वाले हैं जिसे जानकर आप भी गर्व महसूस करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेंद्र। धर्म परिवर्तन का सिलसिला ईसाई धर्म के साथ शुरू हुआ जो आज तक जारी है। मैक्सिको, अमेरिका, रूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्की, सीरिया, इराक आदि सभी जगहों पर हिंदू धर्म से जुड़े साक्ष्य पाए गए और इन साक्ष्यों की खोज कोई हिंदू करने नहीं गया बल्कि वहीं के मुस्लिम और ईसाई वैज्ञानिकों ने की है। मित्रों, अरब की यजीदी, सबाइन, सबा, कुरैश आदि कई जातियों का प्राचीन धर्म हिंदू ही था। मैक्सिको में खुदाई के दौरान गणेश और लक्ष्मी की प्राचीन मूर्तियां पाई गई थी। वहीं दूसरी ओर स्पेन में हजारों वर्ष पुराना एक मंदिर है जहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा आज भी अंकित दिखाई देती है। अन्य देशों पर फिर कभी बात करेंगे, आज हम केवल अरब व इराक के विषय में बताएंगे। मित्रों, आज से 2078 वर्ष पूर्व सम्राट विक्रमादित्य का शासन संपूर्ण जम्बू द्वीप पर था। उन्होंने अरब के मक्का में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। कुछ का मानना है कि मोहम्मद के दादा इस मंदिर में पुजारी हुआ करते थे। इस मंदिर के पास ही उनका घर था। इस मक्केश्वर मंदिर में 360 देव मूर्तियां हुआ करती थी। मोहम्मद के घराने का नाम कुरैश था। यदि कुरैश का संधि विच्छेद करें तो इसका मतलब होता है कुर धन ईस, अर्थात कुर प्रमुख। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद बचे हुए कौरव वंशियों में से कुछ पश्चिम एशिया की तरफ चले गए और वहीं अपना राज स्थापित किया। कहा जाता है कि इस मंदिर की सभी मूर्तियां नष्ट कर दी गई, केवल शिवलिंग सुरक्षित रखा तथा इस मंदिर को तोड़कर यहां पर काबा का निर्माण किया गया। मित्रों, अगर आपको याद ना हो तो बता दें कि अंग्रेजी और वामपंथी इतिहासकारों ने हिंदू विरोधी एक षड्यंत्र रचा था। इसमें कहा गया था कि हिंदू बाहर से आया हुआ आक्रमणकारी है, परंतु यह बात बाद में मनगढ़ंत और झूठी साबित हुई। और इस बात के प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदुओं ने भारत से निकलकर अन्य देशों में अपना शासन कायम किया तथा वहां पर वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। दुनिया के तमाम देशों में पुरातात्विक खुदाई तथा वहां के प्राचीन अवशेषों पर शोधों से यह साबित हो चुका है कि हिंदू धर्म ही संपूर्ण विश्व में कायम था। ईरान का एक शहर है जिसका नाम है बेदर अब्बास। वहाँ एक प्राचीन हिंदू मंदिर का अहम पुरातन अवशेष है। वर्ष 2017 में इस मंदिर की मरम्मत की परियोजना को स्वीकृति भी दी गई थी। यह मंदिर प्राचीन समय से ईरान व भारत के लोगों के अच्छे आपसी संबंधों की जीती जागती मिसाल है। इस मंदिर को वर्ष 1998 में ईरान के राष्ट्रीय अवशेषों की सूची में पंजीकृत किया गया है। और इसी तरह हाल ही में वियतनाम में 1100 साल पुराना एक शिवलिंग भी मिला था, जिसकी जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके दी थी। और यही नहीं, भारत से करीब 3745 किलोमीटर दूर इराक में खुदाई के दौरान भगवान श्री राम और हनुमान की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
यह खुदाई वहां के ही पुरातत्व वैज्ञानिकों द्वारा साल 2019 में सिलेमानिया इलाके में बैनुला बाईपास के पास की गई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मूर्ति 6000 साल पुरानी है। इराक का प्राचीन नाम मेसोपोटामिया है, जहाँ अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। इराक को साम्राज्यों का खंडहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अनेक साम्राज्य जन्म लेकर फूल फलकर धूल में मिल गए। यदि बात करें इस्लाम की, तो उनका यह इतिहास रहा है कि जहाँ जहाँ इस्लाम ने आक्रमण किया, उसने सबसे पहले वहाँ की प्राचीन सभ्यताओं को नष्ट किया, मंदिर मूर्तियाँ तोड़ी, जबरन धर्म परिवर्तन कराए। और यह इतिहास उठाकर देख लीजिए कि जिसने भी इस्लाम को मानने से इनकार किया, उसे निर्दयता पूर्वक मौत के घाट उतार दिया गया। इतिहास में जितनी क्रूरता पूर्वक इस्लाम का प्रचार प्रसार किया गया है, उसका वर्णन झकझोर देने वाला है। मित्रों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।